हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। यहाँ पे जो है गाइस, मैंने बहुत सारे फूल निकाल दिए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। तो आप देख सकते हैं, दो रंग के मैंने फूल निकाले हैं। ये हमारे खुद के लगाए हुए फूल थे, मैंने खुद बीजे हुए थे। तो मैं यहाँ पर इसकी माला बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा ले लिया है, तो अब मैं जो है इसकी माला बनाऊँगी। जैसे कि आपको पता है, दीपावली आ रही है, तो मैं दीपावली के लिए जो है तैयार करके रखूँगी मालाएं, फूलों की मालाएं जो कि हम दरवाजे में लगाते हैं, और साथ में जो है मूर्तियों में जो भी मंदिर के लिए मालाएं होती हैं, हम खुद की फूलों की बनाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, इतनी लंबी लंबी मालाएं मैंने बना दी है। ये देख सकते हैं आप, दो मैंने बना लिए, तो बहुत लंबी लंबी बनाई है ये है। कैसी लगी गाइज़ आपको ये मालाएँ, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं दिवाली के लिए तैयार करके रख रही हूँ इसको, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ फिर मायके। तो इस बार की जो दिवाली है गाइस, वो मेरी मायके में ही होगी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, इसीलिए मैं मायके में ही मनाऊँगी दीपावली। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। और साथ में दीपावली है, कल 12 तारीख को दीपावली। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दीपावली। तो गाइस, मैंने ना छोटी छोटी सी मालाएं बनाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ मैंने बड़ी बनाई है, कुछ मैंने छोटी बनाई है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको सबसे पहले मंदिर के लिए। तो गाइस, ये ना मैंने मंदिर में रख दी थी, छोटी छोटी सी बनाई है मैंने, ये देख सकते हैं आप। जितनी जितनी मेरी मूर्तियाँ ना, तो उतनी उतनी मैंने बनाई है मंदिर के लिए, छोटी छोटी सी 3-4 मालाएं बनाई है। तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी दिवाली में बनाएं सबसे पहले अपने मंदिर के लिए, चढ़ावे के लिए। तो दीपावली के दिन ये शुभ रहता है, जब आप सुबह पूजा करते हैं तो फूल जो है सुबह चढ़ते हैं, शाम को नहीं चढ़ते हैं। जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो गाइस आप भी सुबह सुबह चढ़ाएं। जो भी चढ़ावा चढ़ाना होता है आपको मंदिर में, तो वो सुबह ही चढ़ता है, शाम को नहीं चढ़ता। शाम को सिर्फ पूजा होती है। तो मैंने भी, मैं कल सुबह चढ़ाऊँगी इनको, आज मैंने बना के रख दी है। तो सुबह सुबह मैं पूजा करके इनको मंदिर में चढ़ा दूँगी, जिनके लिए भी मैंने बनाई है। तो बहुत अच्छी लगती है ये छोटी छोटी सी मालाएँ। अब भी मेरी मूर्तियाँ उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है मालाएँ। तो आप भी बनाएं गाइस, बड़ी बड़ी भी मैंने बनाई है बहुत सारी। तो कल ही मैं लगाऊँगी उनको दरवाजे पे। तो ये है मंदिर के लिए। तो आप भी बताना कैसी लगी आपको मेरी मालाएं फूलों की। जी मैं तो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, आज है नेक्स्ट डे, तो आज है दीपावली। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दीपावली। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ मायके। तो अभी मैं रोड में खड़ी हूँ, मुझे अभी भैया जी आने वाले हैं मुझे लेने। तो उनकी गाड़ी आएगी, तो उनके साथ जाऊँगी मैं आज। तो अभी मैं रोड में उनका वेट कर रही हूँ। तो सुबह से मैं कुछ नहीं बना पाई हूँ, अभी 9 बज चुके हैं सुबह के। तो सुबह से मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, घर के काम थे। फिर तैयार हुई, नहाई धोई, फिर जो है फटाफट रोड के लिए निकल गई हूँ। तो अभी वो आने वाले, तो मैं उनका वेट करती हूँ कब तक आते हैं वो। उन्होंने अभी अभी फ़ोन किया था कि वो पहुँचने वाले हैं। तो मेरे पास ना बहुत सारा सामान था उठाने के लिए घर से, तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस, ये जो बोरा है ना, इतना भारी है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ तक लाया है ये उठा के। जल्दी जल्दी भागना पड़ा मुझे घर से, क्योंकि उन्होंने ना पहले ही फ़ोन कर दिया था कि जल्दी निकल जाना रोड के लिए। तो यहाँ मेरे पास बैग है, ये भी बहुत भारी है, इसमें सामान है, कुछ मम्मी का सामान है, कुछ मैंने कुछ चीज़ें ले जा रही हूँ मैं मायके। और ये जो है गाइस, ये झाड़ू है। आप सोच रहे होंगे कि ये घास जैसा क्या लेके जा रही है, तो जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू तो हमारे जो है इस टाइप के झाड़ू होते हैं, मिलते हैं हमारे यहाँ। जो मेरे मायके में, वहाँ पे ऐसे झाड़ू नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ बहुत होते हैं ये। तो मैं ले जा रही हूँ इनको। तो ये भी है गाइस, ये भी घास टाइप का है, दो रंग के झाड़ू मैंने लिए। तो इसको ना बोलते हैं हमारे, ये है झिंजर, इसको बोलते हैं झिंजरा। तो ये वाला जो घास होता है, इसके जो झाड़ू बहुत अच्छे होते हैं। और ये वाले भी झाड़ू है, ये दो रंग के झाड़ू है ये। तो उन्होंने मंगाए थे मुझसे कि झाड़ू लेके आना जब आएगी। तो मैंने कट्टे में डाल दिया, तो इतना भारी है ना, तो आप समझ सकते होंगे कि कितना भारी है उठाने के लिए, इतना फुल किया है मैंने बोरा। तो अभी मैं इसको इस रोड से लेके आई हूँ, तो यहाँ पे आएंगे वो अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं यहाँ घाटू में। तो वहाँ पे जो भाभी जी गए ऊपर, भैया भाभी, तो यहाँ पे उनकी सिस्टर दी है, ये है उनका घर,
पिछली साइड को, ये उनका नया घर बन रहा है, पिछली साइड को भी है, तो वहाँ पे गए हो कुछ टाइम के लिए रुकने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ गाड़ी में ही। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उनका वेट करूँगी थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए गए हैं वो ऊपर, तो अभी आ जाएंगे। थोड़ा सा उनका सामान भी है वहाँ से लाने को। तो गाइस आज है दीपावली, तो मैं तो मेरी दीपावली तो इस बार मायके में होगी, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। आपको जैसे पता है कि हस्बैंड जी यहाँ पे नहीं, घर पे नहीं है, तो इसीलिए मैं मायके जा रही हूँ। तो मेरे पापा मम्मी भी बोल रहे हैं कि इस बार की दीपावली यहीं मनाना मायके में, तो इधर आ जाना। तो काफ़ी टाइम से मैं मायके नहीं गई हूँ, कम से कम 4-5 महीने के बाद मैं जा रही हूँ मायके। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ मायके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं पहुंची तो ये लोग काम कर रहे थे, ये भी यहाँ पे मालाएं बना रहे थे। तो आप देख सकते हैं इतने सारे फूल इन्होंने उठा के लाए हैं, तो छोटी बना रही है माला और साथ में भाभी जी, और ये साथ में बैठा है नक्श। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप बिल्लू, छोटी सी क्यूट बिल्लू है, ये छोटी सी है, 1-2 महीने की है अभी ये। ये माला छोटा बिल्लू है, ये माला छोटा बिल्लू है, देखो कैसे खेलता है, कैसे खेलता है बिल्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, तो यहाँ पे अक्षु बैठी है और साथ में इतनी सारी मालाएं बना दी है, ये देख सकते हैं भाभी जी। तो लास्ट बची थी ये थोड़ी सी बनाने को, तो थोड़े से फूल रह गए थे, तो ये बना रहे हैं अब। गाइज घर पहुँचने के बाद जो है मैंने कपड़े चेंज कर दिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, देखिए मैंने कैसे टोपी लगाई है। और खाना खुना खा लिया हमने, अभी लंच कर दिया है। तो जैसे मैं आई उसके बाद जो है लंच किया हमने सबने, तो अब बैठते हैं धूप में थोड़ी देर, तो मिलते हैं बाद में। गाइस यहाँ पे देखिए कितने सारे छोटे छोटे से बिल्लू हुए हैं, ये ताजे ताजे हुए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो गाइस 7 हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। वहाँ पे जो इनकी माँ भी आ गई है, वहाँ देखिए यहाँ रखा होता है इनको स्टोर में, ये इनकी माँ है, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ये पिछले साल के, ये देखिए गाइस ये 8, 9, 10 है, ये गाइस इतने सारे हुए हैं। ओ यार यहाँ पी रहे हैं दूध, तो शाम के 4 बजे, 4 बजे ना, 4 बज चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे ऊपर वाले घर के पास, तो देखते हैं वहाँ पे हाल चाल। तो ये है अक्षिता, हाय कर रही है आपको। तो ये ना दूध और चाय मिक्स पीती है, चाय भी पीती है और दूध भी पीती है, दोनों मिक्स करके पीती है, ऐसे काम करती है ये, वो भी इतना बड़ा गिलास। देखो क्या बोल रही है मेरे को, ये देखिए क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये है लेमन वाटर, जुकाम लगेगा। और साथ में निकाला है इसने प्याज टमाटर काटने के लिए लहसुन, शाम की तैयारी कर रही है, क्या बनाने वाली आज? आज बन रहा है मटर पनीर और चावल चपाती सब्जी। सब्जी कौन सी? तो इतना कुछ बन रहा है, आपके आने की खुशी है इनको बहुत। मटर पनीर बना जा रहा है। तो ये देखिए देखिए गाइज कितनी सारी लकड़ियाँ काट कर रखी है, तो ये तंदूर के लिए इतने छोटे छोटे से टुकड़े बनाने पड़ते हैं, सेब की लकड़ियाँ है सारी। और यहाँ पे भी, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको, मामी जी, मेरी मामी जी जो है घास काट रहे हैं। हाँ आ जा।
तो वो देखिए गाइस, मामी जी जो घास काट रहे, काटा भी कितना काटा, कितना काटा है, कितना काटा हो गया, निकाल जो दिया आपने। ये देखिए क्या दिखाऊं, हाँ जी कीवी कहाँ है, अच्छा इसमें तो लगी नहीं, हाय कर नक्श, ये है गाइस नक्श, वैक्शु कीवी का पेड़ इतना बड़ा हो गया। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कीवी का पेड़, ये देखिए इसमें नहीं लगी है ना, तो ये देखिए गाइस, ये जापानी पीछे वाली, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कीवी का पेड़ है, मेल और फीमेल होते हैं ये कीवी के पेड़। तो यहाँ देखिए पिछले साल का लगाया, इतना बड़ा हो गया, अभी इसमें फल नहीं लगे, अगली साल से शायद लग जाएंगे इसमें, तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको पक्का बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके के होते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे जो इस तरीके का घास लगता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है, मायके में जो है ऐसा घास मिलता है गाय के लिए, छोटा छोटा सा हरा हरा घास। इससे देते दूध जो ये वाला होता है, जो ये हरी हरी घास होती है इससे जो गाय बहुत सारा दूध देती है, सच्ची थुच्चड़ बोलते हैं ना इसको, थुच्चड़ सब्जी में इसकी, आपके क्या बोलते हैं, थुच्चड़ सब्जी थी इसका, हमारे बोलते हैं इसको पहाड़ी भाषा में थुच्चड़, इसको सब्जी भी बनाते हैं गाइस, इसकी ना सब्जी भी होती है, बहुत टेस्टी सब्जी होती है इस वाली घास की, ये देखिए कितना अच्छा होता है, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, कभी मैं आपको बना के खिलाऊंगी, पक्का दिखाऊंगी इसकी रेसिपी में आपको। तो जिस तरीके की पालक और साग की सब्जी होती है उसी तरीके की ये भी बनती है सेम, ये देखिएगा इसकी शरारती है, पेड़ में चढ़ता है ऐसे, उतर अब नीचे जरा, उतर जा नीचे, ये जंगली है जंगली, आदि मानव है ये, ऊपर दिखाएंगे बोला, ये देखिए गाइस ये बहुत ही आदि, उनको कुत्ते ने खाया और उनके साथ लड़े भी वो, ये देखिए इसकी इसकी शरारत देखिए आगे। तो गाइस अभी अभी मैं नीचे वाले घर के पास जा रही हूँ, हम गए थे ऊपर वाले घर के पास, तो अब मैं यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो कल आपको दिखाऊंगी, अब जो बड़ी जो दीपावली है तो कल मैं दिखाऊंगी कैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाते हैं। तो गाइस आज तो ऐसे ही थी छोटी दिवाली, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।